एनसीईआरटी पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पर lakshya.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। हाल पढ़ले गैंग, आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, हेरेडिटी। अरे इवोल्यूशन कट चुका है, सिर्फ और सिर्फ हेरेडिटी पढ़ना है। और पढ़ना है क्या? सेक्स डिटरमिनेशन। हर एक चीज हम एनसीईआरटी को 100% रिवाइज कर लेंगे, जैसे अब तक सारे चैप्टर किए हैं, मात्र 30 मिनट्स में। और सारा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ये बगल में व्हाइट बोर्ड पे मैंने हर एक चीज तुम्हारे लिए लिख करके रखी है, नोट करके रखी है, कि सारे बेसिक्स भी क्लियर रहें। आओ बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। अरे क्लास 9th वाली चीज यार, तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ सेल? सबको पता है सेल क्या होता है। यहां पर समझाने के लिए ये सबसे आउटर वाला, सबसे बड़ा वाला सर्कल क्या है? सेल है। उसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सबको पता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये जो ऐसे मैंने बना रखा है, ये रेड कलर का ऐसे क्रॉस टाइप का, ये क्या होता है? ये होता है, देखो यहां पे जूम कर दिया इधर, ये जूम करके दिखा रहा हूं, ये क्या होता है? ये होता है क्रोमोसोम। अब इतना समझो कि क्रोमोसोम पे ही डीएनए प्रेजेंट होता है, या डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे। समझ लो कि दोनों इक्वल हैं, अभी बस मान लो, ठीक है, कि क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू डीएनए। अब याद रखना, क्रोमोसोम के ऊपर, इसके ऊपर क्या होते हैं? ये इसको जूम करो, ये जैसे 1, 2, 3, 4 बने, इसको मैंने जूम कर दिया, ये होते हैं जीन्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर जीन्स, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट अगर उठा लें, ये है क्रोमोसोम, ये रेड है पूरा क्रोमोसोम, इसी पे प्रेजेंट होता है डीएनए। और डीएनए का एक सेगमेंट अगर उठा लें तो वो होता है जीन्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहां पर 1, 2, 3, 4 हमने 4 जीन्स उठा लिए, तो हर जीन्स कुछ क्वालिटीज के लिए कोडिंग रखता है। कोडिंग, यही कोड्स तुम्हारी क्वालिटीज डिसाइड करते हैं, कि तुम्हारा कलर ऑफ आइज क्या होगा, कलर ऑफ हेयर क्या होगा, हाइट कैसी होगी, वॉइस कैसी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है? क्वालिटीज। इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। याद रखना, ये सारी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, बेसिक्स, ये चैप्टर में काम आएंगी। ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया? क्वालिटीज, जैसे कलर ऑफ आइज, हेयर कलर, हाइट, वॉइस। अब सबको पता है कि ये जो ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, ये कई तरह की होती हैं। जैसे हेयर कलर फॉर एग्जाम्पल ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटीज का अल्टरनेटिव ऑप्शन है अपने पास, ये कहलाता है एलील्स। जैसे हेयर कलर में एग्जाम्पल है ब्राउन, ब्लैक, और वहीं हाइट में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टॉल या फिर शॉर्ट, जिसको बोलते हैं ड्वार्फ, ठीक है। ये क्या कहला रहा है? एलील्स। समझ गए? क्वालिटीज का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील्स। आओ, ये था बिल्कुल बेसिक इस चैप्टर का। अब आते हैं एनसीईआरटी पर, क्योंकि हमें इस वीडियो में एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। पढ़ो पहली लाइन, इंपॉर्टेंट। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि हमने लास्ट चैप्टर में, वीडियो बनी हुई है, डली हुई है हर चैप्टर की, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिप्रोडक्शन में कि कैसे वेरिएशन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, कैसे आता है। चलो और एक बार तुम्हें एक बार और दिखा देते हैं इधर। देखो, जैसे ये किसका न्यूक्लियस है? पेरेंट सेल का। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है, अभी ये समझाया, उसमें क्या है? ये उसमें क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम कह लो या डीएनए, देखो इसी को लिखा गया डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन, क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में? ये दो बन जाता है। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है? कॉपी बन जाना। तो एक था, दो बन गया, 1, 2। फिर अब दो क्रोमोसोम या दो डीएनए एक बड़ी अमाउंट एक सेलुलर अपैरेटस में, या बोलो एक सेल में नहीं रह सकती, इसलिए हो जाता है इसका फिजन। तो ये हो गया, दो बन गया, 1, 2, दो डॉटर सेल बन गई अपने अपने डीएनए के साथ, यानी अपने अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, यहां पर तो पहले ही प्रोसेस था, ये डीएनए रेप्लिकेशन, जो ये एक से बन रहा, 1, 2, 2 बना, ये डीएनए रेप्लिकेशन 100% करेक्ट नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आती है, इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है। समझ गए? इसको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। बट ये तो देखो एसेक्सुअल में था, एसेक्सुअल में जब एरर की वजह से, जो एरर आ गया डीएनए रेप्लिकेशन में, उसके वजह से और रहा है सारा का सारा वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती हैं, क्योंकि दो दो गैमिट्स आ रहे हैं अलग अलग पेरेंट से। कैसे, क्या आगे समझेंगे, आ जाओ। ये रहा एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि कैसे होता है वेरिएशन रिप्रोडक्शन के समय। सबसे पहले समझ लो इनहेरिटेंस, जो ये पहला टर्म लिखा हुआ इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है, मान लो ये तुम्हारे पापा जी हैं, जो हमेशा गुस्सा रहते हैं क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो,
ये तुम्हारी मम्मी जी हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम चाहे पढ़ो या फिर मत पढ़ो, इन्होंने मिलकर के बनाया तुम्हें, ये तुम हो अपने बंटी टाइप के, ठीक है। अब कुछ क्वालिटीज इधर से आई होंगी, जैसे हेयर कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, कुछ और हो सकता है, और कुछ क्वालिटीज इधर आई होंगी मदर की साइड से, आइज का कलर हो सकता है, ईयर हो सकता है, वॉइस हो सकती है ना। अब ये सारी क्वालिटीज जो ट्रांसफर हो रही हैं, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि तुमने ये क्वालिटीज इनहेरिट करी है किनसे, अपने फादर मदर से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, समझ गए। इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बॉडी बेसिक डिजाइन, बेसिक बॉडी डिजाइन, एक बेसिक बॉडी डिजाइन तो आता ही है जैसे तुम्हारे मम्मी पापा का है, और कुछ सटल चेंजेस, कुछ चेंजेस आते हैं, बिल्कुल सेम तो अपने पापा जैसे दिखते नहीं हो, ना ही अपनी मम्मी जैसे, ठीक है। द सेकेंड जनरेशन, तो अभी जनरेशन वाइज जनरेशन, ये क्या हो तुम, मान लो अगर तुम अपने पापा मम्मी की फर्स्ट जनरेशन हो, फिर सेकेंड जनरेशन क्या रहेगी, जो तुम्हारे बेबीज होंगे, तो ये जनरेशन वाइज जनरेशन नए नए चेंजेस आते जाएंगे, वही एकदम यहाँ पर समझाया गया है। अरे यार बिल्कुल सिंपल डायग्राम देखो, जैसे पहले ये ब्लू ब्लू था, फिर पहले जनरेशन में क्या चेंज आया, एक रेड पार्ट आ गया, इधर एक ग्रीन आ गया, फिर सेकंड जनरेशन में क्या चेंज आया, रेड रेड तो आ ही गया था पहले से ही, फिर ये आ गया एक पार्ट, एक कलर ये आ गया, एक कलर ये आ गया, तो नई नई जनरेशन में नए नए चेंजेस, नए नए वेरिएशन आते रहते हैं। चलो आगे आओ देखो, हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, यानी ज्यादा डाइवर्सिटी, ज्यादा चेंजेस कब होंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब ये है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या ये सारी वेरिएशन एक स्पीसीज में हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, कि मान लो एक पॉपुलेशन बन गई, क्या सारे के सारे का इक्वल चांस होता है सर्वाइव कर जाने का, नहीं। पहले ही यही मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि एक एग्जांपल है ये बैक्टीरिया वाला, जैसे मान लो ये पॉन्ड है या फिर एक टेम्परेट वाटर एरिया है, पॉन्ड है, जहां पर क्या रहते हैं कुछ बैक्टीरिया, ये 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 ये, और कुछ बैक्टीरिया इनसे अलग हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन आती जाती है जनरेशन में। तो क्या होगा, मान लो ये ग्रीन वालों के पास कैपेसिटी है क्या, हाई टेम्परेचर सहन करने की, तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो ये सारे तो मर जाएंगे, बट ये हाई टेम्परेचर वाले बच जाएंगे, और ऐसा क्यों हुआ, वेरिएशन की वजह से। तो वेरिएशन इज हेल्पफुल फॉर स्पीसीज, हेल्प करता है वेरिएशन उन्हें अच्छी तरीके से जिंदा रखने के लिए, पॉपुलेशन मेंटेन करने में। अब ये वाले पहले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी, पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, व्हिच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। क्या है इसको समझो, कि ट्रेट ए है जो 10% है पॉपुलेशन में, ट्रेट बी है जो 60% है पॉपुलेशन में, कौन सी पॉपुलेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेरिएशन इसमें भी होता है थोड़ा थोड़ा। अब बताओ कौन सी क्वालिटी इन दोनों में ऐसी है जो पहले से रही होगी उस जनरेशन में, कौन सी क्वालिटी ऐसी जो पहले से रही होगी। देखो इसी डायग्राम पे देखो, यहां पर देखो, इसमें ध्यान से देखना एक चीज, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये पेरेंट जनरेशन थी यहां, ये पहली वाली, ठीक, इससे बना ये, तो एक नई चीज क्या आ गई कि रेड कलर, पहले से ब्लू था, फिर एक नई चीज आ गई रेड कलर, फिर अगले जनरेशन में रेड रेड, तो तुम देखो ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, ब्लू ब्लू इसमें भी है, तो जो एक बेसिक डिजाइन है, बेसिक चीज है, वो सब में है। यानी देखो ये जो अपनी जनरेशन लास्ट वाली बनी है, सब में ब्लू 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 चीज नोटिस की जाएगी, तो ये बेसिक चीज है, तो जो चीज ज्यादा रहे वो क्या होती है, वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर बी, यानी जो 60% में एग्जिस्ट कर रही है ट्रेट बी पहले से रही होगी, हैव एग्जिस्टेड अर्लियर। और सेकंड वाले का मैंने आंसर ऊपर ही समझा दिया कि कैसे वेरिएशन हेल्प करती है स्पीसीज का। चलो आते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं चैप्टर का, यहां से हेरिडिटी से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ट्रेट्स हमने समझ लिया, क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये दो टाइप की ट्रेट्स होती हैं, कौन कौन सी, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखो अपनी स्क्रीन पे। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। अब इनहेरिटेड में वो चेंजेस होंगे जैसे सिंपल से चेंजेस की हाइट क्या है, स्किन कलर क्या है, आई कलर क्या है, और एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो तुम समय के साथ डेवलप करो, जैसे कि तुम्हारी मसल्स, वेट, तुम्हारा जो दिमाग है पढ़ने में या फिर खेलने में या फिर किसी और चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट, तो ये सारी चॉइसेस, इंटरेस्ट, ये सब क्या डेवलप किया तुमने, पेरेंट्स से नहीं आई, तो ये क्या एक्वायर्ड है, और इनहेरिटेड क्या है जो पेरेंट्स से लिया है। चलो आओ नीचे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं हम मेंडल जी के बारे में। इनके बारे में बस तुम इतना जानो कि इन्होंने कुछ लॉज दिए हैं, वो हमें लॉज पढ़ने होंगे, और इनको क्या बोलते हैं, फादर, नहीं नहीं बापू नहीं, गांधी जी की जगह नहीं ले रहे हैं, ये फादर ऑफ नेशन नहीं है, फादर ऑफ क्या है, जेनेटिक्स, ठीक है। आओ
अब एक और टर्म, टर्म्स का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट खेल है दोस्त, टर्म समझना जरूरी है। और कोई BKLE होगा, यानी बहुत कमसीन लड़का होगा, बहुत नया नया मार्केट में आया होगा, जिसको नहीं पता कि टर्म्स पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे नोट्स, फ्री नोट्स, फ्री क्विज, फ्री वर्कशीट्स, फ्री सैंपल पेपर्स तक वेबसाइट पे और ऐप पढ़लक्ष्य पर पड़े हुए हैं, जाके इंस्टॉल करो। देखो क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनका कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल हो, यानी अल्टरनेटिव, जैसे राउंड है तो एक रिंकल है, टॉल है तो शॉर्ट है, वाइट है तो वॉयलेट है, ये सारे अल्टरनेटिव होते हैं। ये पूरी स्क्रीन पे तुम्हारे कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिख रहे होंगे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो एक पी प्लांट में पाए जाते हैं। पी प्लांट, हाँ, मेंडल जी ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट। क्यों यूज किया था पी प्लांट? बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस तुम्हारे ये हैं सारे के सारे रीजंस कि क्यों सिर्फ पी प्लांट ही लिया अपने मेंडल साहब ने, वाई आएगा एग्जाम में कैसे लिखना है। नंबर 1 रीजन, क्योंकि वो बायसेक्सुअल प्लांट है पी प्लांट, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगी। फिर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अभी स्क्रीन पे दिखाए थे तुम्हारे, और पी प्लांट का 90 डेज का ही लाइफ स्पैन है, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना और रिकॉर्ड करना बहुत इजी पड़ेगा। चलो अब आओ ऊपर कुछ बेसिक समझो, पी प्लांट में भी गैमिट्स होंगे। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हाइट का, ठीक है। तो हाइट में कौन कौन से गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल टी जो कि है टॉल, ठीक है, और एक है स्मॉल टी जो कि है डॉर्फ, डॉर्फ यानी कि छोटा बौना। तो एक गैमिट बन गया टॉल का, एक डॉर्फ का। गैमिट्स ही मिल करके अपना फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो ये जब फ्यूजन करेंगे तो क्या क्या केस बन सकता है, एक केस बन सकता है कि दोनों टी टी बन जाएं, दोनों टी टी यानी दोनों टॉल वाले मिल जाएं, एक केस ये बन सकता है कि दोनों स्मॉल मिल जाएं, एक केस ये बन सकता है कि एक टॉल और एक स्मॉल गैमिट मिल जाए, ठीक है, ये गैमिट आपस में मिलकर क्या बना लें, इस तरह से जाइगोट बना लें। तो ये 3 केस है, जो शुरू के 2 केस हैं जहां पर सेम, देखो ऊपर कैपिटल वाले सेम है नीचे सेम है, तो दोनों सेम जब जाइगोट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, ठीक है। जैसे टी टी और टी टी, क्या है ये टॉल है और ये क्या है डॉर्फ है। फिर जो थर्ड केस था, एक टी एक स्मॉल टी यानी एक टॉल एक डॉर्फ, ये होता है हेटेरोजाइगस यानी कि डिफरेंट जाइगस, जाइगोट में डिफरेंट गैमिट्स हैं। तो ये क्या होता है टी टी, एक टॉल है एक डॉर्फ का गैमिट है। तो अब क्या बताओ कि एक टॉल का गैमिट आ गया, एक डॉर्फ का गैमिट आ गया है, तो ये जो बच्चा होगा आगे करके, आगे चल के ये जो जाइगोट बना है, ये टॉल होगा ये डॉर्फ, ये होगा टॉल। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पे टी जो है टॉल है वो क्या है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या है ये सब हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर इतना जान जाओ कि ये टी टी जब होगा तो होगा टॉल, कैपिटल कैपिटल टॉल, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, टी टी जब होगा तो भी टॉल, फिर स्मॉल स्मॉल जब टी टी रहेगा तो ये रहेगा डॉर्फ, ठीक है। और आ जाते हैं अपने पहले एक्सपेरिमेंट पे, विच इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस क्या मतलब है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का देखो, मोनो का मींस होता है सिंगल, तो यानी एक किसी भी क्वालिटी का हम क्रॉस करवाएंगे, यानी आगे देखेंगे ऑफस्प्रिंग में कैसे वो क्वालिटीज आ रही हैं, यानी किसी एक सिंगल क्वालिटी का। और यहाँ पर पी प्लांट के केस में हम कौन सी क्वालिटी ले रहे हैं, हाइट, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स, पेरेंट्स तो पेरेंट्स क्या है, एक है टॉल एक है डॉर्फ, ठीक है, टी टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बिग टी यानी कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉल, और स्मॉल टी डॉर्फ, ऊपर मैंने समझाया। अब दोनों का क्रॉस कराया गया, बट क्रॉस कराने से पहले हमेशा ये पता कर लिया करो कि गैमिट्स कौन कौन से हैं। तो बताओ कौन कौन से गैमिट्स होंगे, टॉल में एक टी ये वाला गैमिट होगा और एक स्मॉल टी होगा ये वाला गैमिट, एक टॉल का एक डॉर्फ का। अब ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो बनेगा ये टी टी, यानी जितने भी आएंगे ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स यानी इनके बच्चे यार, ये टॉल और डॉर्फ प्लांट के जितने भी बच्चे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सारे के सारे टॉल रहेंगे, टी टी ये सारे ऑल आर टॉल, ठीक है। ये क्या है, F1 जनरेशन। अब क्या किया गया नेक्स्ट स्टेप, कि ये जो F1 जनरेशन बनी थी टी टी वाले, इनको ही आपस में सेल्फिंग करा दी गई। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, इनको आपस में ही क्रॉस करा दिया गया, आपस में ब्रीडिंग करा दी गई। तो अब मैंने कहा जब भी ब्रीडिंग कराओ तो पहले गैमिट्स पता कर लो। अब इनके गैमिट्स क्या होंगे, देखो किसके किसके बीच हो रहा है, टी टी और टी टी के बीच, तो वही गैमिट भी वही रहता है, टी 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 टी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या, ये जो बॉक्स बना है इसको बोलते हैं पर्नेट्स स्क्वायर, ठीक है, पर्नेट्स स्क्वायर। समझो इसमें क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं F2 जनरेशन में क्या क्या बन रहा है। तो पहले गैमिट्स लिख लो इस साइड पर, पहले एक ये सिंपल सा ऐसा ये देखो बॉक्स बना लिया, इसको 4 में डिवाइड कर दिया
और अगल बगल सर्कल बना के गैमिट्स लिख लिए। टी टी ये हो गया फीमेल का गैमिट्स, और इधर टी टी ये हो गया मेल के गैमिट्स, गैमिट्स लिख लिए। अब क्रॉस कराओ। क्रॉसिंग कैसे कराई जाती है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ये फीमेल का कराओ पहले, इससे टी इंटू टी, टी इंटू टी क्या होगा, टी टी कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इस वाले का कराओ ये सेकंड वाले से, फिर टी इंटू स्मॉल टी क्या होगा, टी टी। फिर स्मॉल टी वाले का कराओ इस वाले से कैपिटल टी से, तो क्या आएगा, टी टी। और स्मॉल टी का फिर इससे कराओ स्मॉल वाले से, टी टी। अब हमने ऊपर ही देखा था कि जब टी टी रहेगा इसका मतलब टॉल, और जब एक कैपिटल एक स्मॉल रहेगा फिर भी उसका मतलब टॉल, यहाँ भी वही है, और जब दोनों स्मॉल रहेगा उसका मतलब डॉर्फ। यानी देखा गया कि F1 प्रोजेनेशन में, F1 जनरेशन में क्या था कि ऑल ओवर टॉल, सारे के सारे टॉल थे, टी टी, ठीक है, एक कैपिटल एक स्मॉल। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ अलग अलग टाइपोलॉजी के भी आए और देखा गया 1 out of 4 आर डॉर्फ। अब इसी पे आ जाता है, रेशियो पूछ लेता है, कौन कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता था, जीनोटिपिक। फिनोटिपिक वो जो हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर से जो दिख जाए। अब बाहर से क्या दिख जाएगा, हाइट। तो टॉल प्लांट कितने, डॉर्फ प्लांट टॉल कितने बताओ, 1, 2, 3, और डॉर्फ सिर्फ एक ही है, तो 3:1 यहाँ पे हो गया जो बाहर से दिख जाए, फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो जीन्स, जीन्स यानी कि कितने होमोजाइगस हैं और कितने हेटरोजाइगस। बताया था मैंने होमोजाइगस किसको बोलते हैं, ये टी टी, टी टी ये क्या हो गया, हेटरोजाइगस, क्योंकि ये कैपिटल एक स्मॉल। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा दो है और होमोजाइगस का एक एक, तो ये देखो वही यहाँ पे लिख दिया टी टी, टी टी और टी, तो 1:2:1। देखो ना ये वाले दो ही तो हैं, एक ये और एक ये, तो ये हो गया रेशियो अपना, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। यही पूछेगा कि मेंडल के पहले क्रॉस में क्या था फिनोटिपिक रेशियो और क्या था जीनोटिपिक रेशियो। आई होप तुम समझ गए। अगर इसको क्विकली देख लें दोबारा से, तो ये है देखो पेरेंट जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी एक प्योरली टॉल और एक प्योरली डॉर्फ। प्योरली क्यों बोला जा रहा है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस को प्योरली बोलते हैं, प्योरली टॉल प्योरली डॉर्फ। फिर इसका गैमिट्स हम निकाल लेंगे, क्या बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। फिर इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन सारी टॉल आई थी, लेकिन ये प्योरली नहीं थे, ये हेट्रो थे, टी टी इस तरह से थे, कैपिटल एक स्मॉल हेटरोजाइगस, बट सारे टॉल थे। फिर इनकी सेल्फिंग करा दी गई, यानी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन, आपस में ब्रीडिंग करा दी गई। तो भाई गैमिट पहले लिख लो टी 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 टी, और पन्नेट स्क्वायर में इस तरह से निकाल लो रिजल्ट। रिजल्ट हमें ये मिला कि 3:1 रेशियो है फिनोटिपिक और 1:2:1 रेशियो है जीनोटिपिक। नाउ आ जाओ इधर, टी में भी यही पूछा जा रहा है एक्टिविटी 9.2 में, कि इन फिगर 9.3 व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू टू कंफर्म, कंफर्म करने के लिए F2 जनरेशन का रेशियो क्या करेंगे हम। देखो 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 ऊपर आओ, 9.3 ये था, यही उधर मैंने समझाया है सिंबल के तरीके से, और यहाँ समझ लो पहले ये थे पेरेंट वाले टॉल और शॉर्ट का कराया गया, तो F1 जनरेशन क्या बनी थी, टी टी, लेकिन सारे टॉल थे, ठीक है सारे टॉल थे, और ये बनी थी देखो टी और टी का कराया गया था, तो ये बने थे। फिर ये F1 में क्रॉस करा दिया गया, जब F1 वाले जो है ये सारे, इनका ही आपस में क्रॉस करा दिया गया, नीचे देखो क्या कराया गया, इनका आपस में क्रॉस, टी टी इंटू टी टी, तब क्या बने, कैपिटल टी टी, फिर टी टी, टी टी टी। अरे इतना टी बोल दिया यार कि तुम्हें समझ आ जाना चाहिए क्लियरली, कि ये है टॉल, ये है टॉल, ये है टॉल, एक शॉट। बस यहाँ पर तुम्हें याद ही रखना है कि 3:1 का रेशियो है फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, ठीक है, ये रहा। आओ इन अदर वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। सही बात है, एक सिंगल कॉपी भी यहाँ पर आ गई है, देखो एक सिंगल कॉपी तो आई है, टी टी करके आया, एक सिंगल कॉपी भी अगर टी की आ गई तो छोटे टी का कोई मैटर नहीं है, वो प्लांट टॉल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट। देखो यो बिकॉज टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड रेसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट्स वो जो दिख जाए बिल्कुल बाहर हमें क्लियरली दिख जाए, टॉल जैसे वहां पे दिख गया, और रिसेसिव ट्रेट वो जो छुपे रहते हैं। छुपे रहते हैं ये क्या मतलब है, अरे यही तो खेल था यहाँ पर इस क्रॉस में, हमें यही तो समझना था कि छुपे रहने का मतलब क्या है। जैसे देखो यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे के सारे कौन से बने थे, टी टी, और सारे टॉल थे, बट फिर ये F2 जनरेशन में 1 out of 4 कैसे डॉर्फ आ गए, तो इसका ये प्रूफ है कि यहाँ पर कैपिटल टी भी था स्मॉल टी भी था, दोनों थे, बट F1 में सिर्फ डोमिनेंट कौन सा था, ये वाला इस पर डोमिनेट कर गया, डोमिनेंट कौन सा था, टॉल वाला, ठीक है, बट F2 में 1/4 पे किसका डोमिनेंट चला, टी टी का, स्मॉल टी का, यानी रेसेसिव ट्रेट का, समझ गए, डॉर्फ ट्रेट का। नाउ आ जाओ नीचे यहाँ पे अगले क्रॉस पे, जो है अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस हम करवा ही क्यों रहे हैं,
फर्स्ट वाले क्रॉस से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने ये समझा कि पूरा ये तुम्हारा जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये लॉ है, किसका लॉ है, मेंडल का। मैंने बोला था मेंडल का लॉ समझने, यही हमने समझा कि कुछ ट्रेड्स होती हैं जो दिखती नहीं है बट वो प्रेजेंट होती हैं, वो फर्दर जनरेशन में जैसे F2 जनरेशन में दिख सकती हैं, पहले रिसेसिव होती हैं बट बाद में वो दिखेंगी, प्रेजेंट उसमें होती हैं। जैसे इस केस में क्या था, डॉर्फनेस, कि डॉर्फ ट्रेड थी बट वो दिखी नहीं F1 में, F1 में सारे टॉल थे बट F2 में दिख गई। चलो अब अगला एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे ये वाला लॉ प्रूफ करने के लिए कि चाहे कोई भी ट्रेट ले लो सब आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट की जाती है। नहीं समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ रहा हूँ यार, समझ में आएगा अभी क्लियरली समझ में आएगा हर एक चीज। जैसे हमने ऊपर तो लिया था सिर्फ एक ट्रेट, क्या था वो एक ट्रेट, वो एक ट्रेट था हाइट। अगर मान लो हम कोई एक से ज्यादा ट्रेट लेना चाहें, जैसे हम दो सीड्स के बीच कराते हैं, एक सीड है क्या राउंड है और ग्रीन है, अगला सीड क्या है रिंकल्ड और येलो, तो एक कैरेक्टरिस्टिक राउंड हो गई, रिंकल्ड हो गई और एक क्या हो गई, एक ट्रेट ग्रीन और येलो, यानी दो ट्रेट्स को हम देख रहे हैं और इनका क्रॉस करवाएंगे और देखेंगे क्या होता है। चलो आ जाओ इधर इस डायग्राम में और क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा। तो पेरेंट से हमने पेरेंट क्या लिया है, हमने ये पेरेंट प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो सीड्स, देखो RRYY प्योर क्यों बोला, क्योंकि होमोजाइगस, RR कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है क्या राउंड और कैपिटल Y रिप्रेजेंट कर रहा है क्या येलो, ठीक है RRYY ये क्या है येलो। फिर प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीड, अब रिंकल सीड क्या है ये देखो, प्योर ब्रीडिंग क्यों बोला, क्योंकि ये भी क्या है होमोजाइगस, स्मॉल R स्मॉल Y तो स्मॉल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रिंकल्ड और स्मॉल Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन, समझ गए। नाउ ऊपर आओ ये देखो, अब इसके गैमिट्स क्या हैं, इसके गैमिट्स क्या हैं, पेरेंटल गैमिट्स, हर बार बोला है कि पहले गैमिट जान लो, तो इसका गैमिट क्या बनेगा, आर आर का एक आर निकाल दो, वाई वाई का एक वाई, तो आर और वाई, और इसका गैमिट क्या बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके आपस में ही क्रॉस करा दो तो बनेगी क्या, फर्स्ट जनरेशन, क्या बनेगी ये फर्स्ट जनरेशन, ठीक है फर्स्ट जनरेशन कैसी बनी देखो, अब इनका आपस में जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा आर आर वाई वाई, अब बिल्कुल वही लिखा है आर आर वाई वाई, देखो R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, यानी क्या राउंड येलो सीड्स, क्या बन गए राउंड येलो सीड्स। अब इन राउंड येलो सीड्स का करवा दो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में करवाया था, और ये भी वही उसी पे समझेंगे हम, जिसको बोल रहे हैं क्या पुनेट स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके से लिख दो, इस साइड अपने लिख दो फीमेल के गैमिट्स और ऊपर साइड लिख दो मेल के गैमिट्स, ठीक है दोनों गैमिट्स वैसे सेम ही होते हैं, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्रॉस कैसे कराना था, मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था पहले वाले से मल्टीप्लीकेशन कराओ, तो ये आर आर वाई वाई देखो वही लिखाएगा आर आर वाई वाई, फिर इससे कराओ आर कैपिटल है इधर तो इधर क्या है स्मॉल आर, वही लिखेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ भी कैपिटल वाई यहाँ भी कैपिटल वाई, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते करते ऐसे आओगे वन इससे हो गया फिर इससे करवाओ फिर इससे करवाओ फिर इस वाले को इससे ऊपर चारों से करवाओ फिर इस वाले को चारों से करवाओ ये चारों आ गया ये चारों आ गया फिर लास्ट वाले को ऊपर चारों से करवाओगे तो ये चारों आएगा। अब यहां पर हमने नोटिस क्या किया कि क्या क्या रिजल्ट आया है, ये देखो ये है सेकेंड जनरेशन का रिजल्ट, क्या है रिजल्ट क्या है सामने से देखो अपने सामने, 9 येलो राउंड 3 येलो रिंकल्ड 3 ग्राउंड राउंड और सॉरी 3 ग्रीन राउंड और 1 ग्रीन रिंकल्ड, समझ रहे हो क्लियरली क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पर भी हमने वही सेम चीज कराई है क्रॉस, इसीलिए पन्नेट स्क्वायर बहुत सिंपल होता है समझने के लिए, स्क्वायर बनाओ और क्रॉस कराते जाओ, मल्टीप्लीकेशन करा के लिख लो और फिर पहचान लो कि 9 येलो राउंड 3 येलो रिंकल्ड 3 ग्रीन राउंड 1 ग्रीन रिंकल्ड, समझे। अरे यार येलो राउंड कहाँ है, ये है येलो राउंड, ये देखो ये येलो राउंड आर वाई, फिर 3 येलो रिंकल्ड ये है येलो रिंकल्ड, फिर 3 ग्रीन राउंड ये है ग्रीन राउंड और 1 ग्रीन रिंकल्ड, ये सबसे कम क्या है 1 ग्रीन रिंकल्ड। चलो अब इसका भी रेशियो आएगा, इसका भी रेशियो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, जो देखो यहाँ पर तुम पहले यहाँ पर भी देख लो वही चीज़ जो उधर समझाई गई वही चीज़ इधर भी है, 9:3:3:1 का रेशियो क्या है, रेशियो 9:3:3:1 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं राउंड येलो, ठीक है राउंड येलो, फिर 3 राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो इक्वल है और सबसे कम कौन सा है रिंकल्ड ग्रीन, समझ गए क्या है ये, ये है फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो, जल्दी ये बताओ कमेंट करके, ये फिनोटिपिक रेशियो है या जीनोटिपिक रेशियो, जल्दी जल्दी। और इसमें हमने देखा क्या, जो लॉ हम प्रूफ करना चाह रहे थे इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स शेप एंड कलर,
कि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि येल्लो, देखो हमने दो ट्रेट ली थी, कौन कौन सी ट्रेट, एक ली थी कलर येल्लो और ग्रीन, एक ली थी क्या कि सीड कैसी है, चाहे वो रिंकल्ड है या फिर वो है राउंड। तो रिंकल्ड का ग्रीन से कोई रिलेशन नहीं है, राउंड का येलो से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली आने वाली जनरेशन में पाई जाती हैं, यही हमें देखना था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट्स, समझ गए? बोलते बोलते यार बिल्कुल हालत खराब हो गई है, आई होप तुम समझ गए हो, नहीं तो हल्का सा लेक्चर बैक करो, दोबारा देखो, क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ यहां देखते हैं, वापस आते हैं अपने एनसीईआरटी पर, चलो कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, ये ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होती हैं, कौन सी ट्रेट देखने मिलेगी कौन सी नहीं, तो ये मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क समझते हैं। अब डीएनए में क्या क्या है ये हमने ऊपर देखा, कैसे प्रोटीन होते हैं, किधर क्या हर एक चीज होती है, जीन वगैरह सब कुछ हमने देखा है, कि जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स, हमने ऊपर देखी थी ये चीज। इफ द इंटरप्रिटेशन यानी कि मेंडल ने जो सोचा एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कसिंग आर करेक्ट, देन बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू डीएनए। इसका मतलब सच है कि जो पेरेंट्स हैं वो इक्वली डीएनए में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हम जब पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं तो देखो इक्वल लिखते हैं ना, इधर भी सारे गैमीट्स लिखते हैं फीमेल के और इधर मेल के, और दोनों सेम गैमीट्स होते हैं, तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन रिजल्ट वो क्रॉस के अकॉर्डिंग आता है, और क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है उसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। नाउ नीचे आओ, चलो 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 इसके नीचे, सेक्स डिटर्मिनेशन अपना अगला और लास्ट टॉपिक, बट ये समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख लो। डिटर्मिनेशन यानी जेंडर डिटरमाइन करना, पता लगाना कि जो बेबी इन फ्यूचर आने वाला है वो बी है या जी है, अरे मतलब बॉय है या गर्ल है, ये कैसे पता लगाएंगे? आओ इधर आ जाओ, देखो ये है मेल यानी फादर, ये है फीमेल यानी मदर, तो इसके पास क्या क्रोमोजोम है, एक्स वाई, इसको कौन सा क्रोमोजोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, और एक्स एक्स, इधर क्या है, एक्स एक्स। अब इधर आ जाओ, मेल के पास जब एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो उसके गैमिट्स क्या होंगे, कोई भी क्रॉस हो, जैसे अभी प्लांट वाला हमने देखा, मैंने क्या बताया था, पहले ये है पता हमें कि पेरेंट क्या है, फिर उसके बाद क्या पता करना है कि उनके गैमिट्स क्या हैं। तो देखो मेल के गैमिट्स जब एक्स एक्स, तो गैमिट भी होंगे एक एक्स एक वाई, देखो ये रहा एक एक्स गैमिट है एक वाई गैमिट है, और फीमेल का क्या है, सिर्फ एक्स एक्स यानी सेम है, दोनों सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक ही गैमिट है एक्स, चाहे एक्स एक्स दोनों लिख सकते हो। अब एक्स और एक्स जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा एक्स एक्स यानी फीमेल, ठीक है, और वाई और एक्स जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा एक्स वाई यानी मेल। तो यहां पर मेन चीज हमने ये देखी कि डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग रोल कौन प्ले करता है, मेल, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई दोनों टाइप के गैमीट्स अवेलेबल हैं, और ये जाकर के एक्स वाई जब जायगोट बनाता है तो बनता है आगे मेल बेबी, फ्यूचर बेबी मेल रहता है, और एक्स एक्स जब रहता है तो ऑफस्प्रिंग क्या बनता है, फीमेल। ये था सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। इस चैप्टर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, अपने ऐप पढ़ लक्ष्य पर हर एक चीज मिल जाएगी, नोटिफिकेशन शेयर करना कि अगली वीडियो मिस ना हो, वीडियो सब में फैला देना, एंड देन क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।